हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम डिस्कस कर रहे थे RS एवं SSB अधीनस्थ बोर्ड के ओल्ड पेपर्स में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट भर्ती परीक्षा, जिसका एग्ज़ाम 26 फरवरी 2023 को सेकंड लेवल का 6 से 8 तक का इवनिंग शिफ्ट में हिंदी का जो पेपर हुआ था, उसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बड़ला बादला सोलर या बड़ला सोलर पार्क, इसको बोलते हैं बड़ला सोलर पार्क। ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, बादला बादला नहीं है, बड़ला सोलर पार्क है, जोधपुर में स्थित है बड़ला सोलर पार्क, कहाँ पर है, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 1942 में। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1942 में। अगला क्वेश्चन, हर रो हिंडोणी कद गायो जावे, ये किणी री मृत्यु पर गावे जा रहे। किणी री मृत्यु माते, मतलब किसी की मृत्यु पर हर रो हिंडोली गाया जाता है। हर रो हिंडोली कब गाया जाता है, किसी की कोई मृत्यु हो जाती है तब गाया जाता है। हर रो हिंडोली कद गायो जावे, किणी री मृत्यु माते। अगला क्वेश्चन है नरमा किस फसल की किस्म है। नरमा कपास की किस्म है, नरमा किसकी किस्म है, कपास की। अगला क्वेश्चन, भोल बारमली रा रचनाकार है, भोल बारमली रा रचनाकार का क्या नाम है, सत्य प्रकाश जोशी। सत्य प्रकाश जोशी की रचना है भोर बारमली, भोर बारमली किसकी रचना है, सत्य प्रकाश जोशी की। अगला क्वेश्चन, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जीरो जिप्सीफेरम मृदा किस जिले में पाई जाती है। जिप्सीफेरम पाई जाती है बीकानेर में। जिप्सीफेरम कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है। कृषि विभाग द्वारा वर्गीकृत एक मृदा का प्रकार है जिप्सीफेरम। अगला क्वेश्चन, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, वह कौन सी नदी है जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, वह है बनास नदी। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी काव्य में डांखला डांखला नाम सु नवो काव्य रूप चलायने घना चावा हुआ, तो इसका आंसर है मनो मोहन आलोक। राजस्थानी काव्य में डांखला नाम सु नवो काव्य रूप चलाने घना चावा हुआ, मतलब राजस्थानी काव्य में डांखला नाव सु नवो काव्य चला, मतलब डांखला एक काव्य है, नवो काव्य के रूप में चलाने के लिए कौन प्रसिद्ध हुआ था, मतलब मोहन आलोक। अगला क्वेश्चन, डांखला काव्य का संबंध किससे है, डांखला डांखला ऐसे याद रख लेना, डांखला काव्य का संबंध किससे है, डांखला काव्य का संबंध है मोहन आलोक से। सीधा सा याद रखो, डांकला काव्य का संबंध किससे है, मोहन आलोक से। अगला क्वेश्चन, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है। हरियाली मनाई जाती है श्रावण अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, यह है जयपुर शैली से। प्रसिद्ध साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, जयपुर शैली से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है, लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है, लहरिया पहना जाता है सावनी तीज पर। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा सावनी तीज पर लहरिया पहना जाता है, सैन्य
सावनी तीज पर, सावन की जो तीज आती है उस पर लहरिया स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही, शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही, तो वह है कोटा। एज पर द सेंसस 2011 द डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान वेयर परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन रिमेंड द हाईएस्ट इन द स्टेट इज, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही वह है कोटा। कोटा में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक थी, जयपुर के भी से भी ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन, किन संत्रीवाणिया रो संग्रह अणबे वाणी रे नाव सू जान जावे, किन संतरी वाणिया रो संग्रह अणबे वाणी रे नाव सू जान्यो जावे, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री रामचरण जी। श्री रामचरण जी संत की जो वाणियों का संग्रह था उसको क्या बोलते थे, अणबे वाणी के नाम से जाना जाता है वो। श्री रामचरण जी की जो वाणियों का संग्रह है वो है किस नाम से जाना जाता है, अणबे वाणी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं, ये नारगढ़ में, न से न याद रख लेना, एक जैसे 9 महल नारगढ़ में बने हुए हैं, नारगढ़ है जयपुर में और तारागढ़ है अजमेर में। तारागढ़ कहाँ पर है, अजमेर में। गागरौन है ये आओ और कालीसिंध नदियों के किनारे पर स्थित है, जालवाड़ में है गागरों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जून से सितंबर माह में वर्षा की अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलिखित की जाती है, वर्षा की जो अधिकतम भिन्नता है वो जैसलमेर में। अधिकतम भिन्नता का मतलब ज़्यादा उतार चढ़ाव, कभी कम कभी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है, रम्मत किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है राजस्थान में, यह है बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है, बीकानेर की जो रम्मत है वह अधिक प्रसिद्ध है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 आईएसएफआर 2021 के अनुसार वन सर्वाधिक है, वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो उदयपुर, उदयपुर याद रखना, उदयपुर जिले में आईएसएफआर 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, नसीराबाद जो कि अजमेर में पड़ती है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, नसीराबाद अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थानी रो चाओ नाम छे, पश्चिमी राजस्थानी को किस नाम से जाना जाता है, मारवाड़ी, मारवाड़ी के नाम से याद रखना, पश्चिमी राजस्थान की जो बोलियां हैं उसको मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, रेवाड़ी में हुई थी। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था, रेवाड़ी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है, जायद की फसल होती है मार्च से जून तक, मार्च से जून तक कौन सी फसल होती है, जायद की फसल होती है। अगला क्वेश्चन, रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ है, उदयनाथ की पहाड़ियां हैं, रूपारेल नदी का उद्गम, रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है, रूपारेल नदी का उद्गम
उदयनाथ की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर, जो कि माही नदी पर स्थित है, सोम माही जाखम का जो तीनों त्रिवेणी संगम है वो बेणेश्वर धाम कहलाता है, वहां पर स्थित है आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है? मल्लीनाथ पशु मेला होता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। चैत्र कृष्ण एकादशी को मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है, प्रारंभ होता है मतलब। कोलायत झील किस शहर के समीप स्थित है? कोलायत झील बीकानेर में पड़ती है। कोलायत बीकानेर शहर के निकट स्थित है कोलायत। यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम भी है कोलायत में, जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? विजयदान देता का, बिज्जी विजयदान देता साहित्यकार का उपनाम है। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? संप्रति कौन था कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक। अगला क्वेश्चन, बिसलदेव रास श्री कथा में नायक नायिका है। बिसलदेव रास श्री कथा में नायक नायिका बिसलदेव, राजा बिसलदेव और रानी राजमती, राजा बिसलदेव और रानी राजमती, बिसलदेव रास की जो कथा है उसमें नायक नायिका कौन है? बिसलदेव, राजा बिसलदेव तो नायक है, नायिका है रानी राजमती। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता, और ये सीकर जिले में पड़ती है, नीम का थाना के आसपास। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? पर्यटन स्थल चांद बावड़ी दौसा में, दौसा में, ये आबानेरी में स्थित है, ठीक है ना? प्रसिद्ध चांद बावड़ी आबानेरी में स्थित है, आबानेरी पड़ता है दौसा में। राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है, ये खींचन गांव किसके लिए जाता है? कुरजा पक्षी के लिए जाना जाता है, राजस्थान का खींचन गांव। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमो स्टर्टस उपमर्दाकण का विशेष महत्व है? तो वर्टिसोल, राजस्थान की वर्टिसोल मृदा में क्रोमो स्टर्टस उपमर्दाकण का विशेष महत्व है। वर्टिसोल पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। एरिडिसोल एंटीसोल उधर पाई जाती है शुष्क क्षेत्र में, अरावली के पश्चिम में पाई जाती है एरिडिसोल एंटीसोल। इंसेप्टिसोल और अल्फिसोल कहाँ पाई जाती है? इंसेप्टिसोल जो अरावली का क्षेत्र है वहां पाई जाती है, अल्फिसोल पाई जाती है जयपुर और जो मध्य पूर्वी राजस्थान है वहां पर अल्फिसोल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, है राजस्थानी में रामायण रचनाकार कौन है? राजस्थानी में जो रामायण लिखी किसने लिखी थी? मेहोजी ने राजस्थानी में रामायण लिखी थी, ठीक है ना? राजस्थानी में रामायण रचनाकार है मेहा जी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में श्रवण ऐसक के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं? तो बांसवाड़ा में श्रवण ऐसक के भंडार अनुमानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतर री मुख्य बोली, मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की मुख्य बोली क्या है? वागड़ी।
वागड़ प्रदेश कहलाता है डूंगरपुर, और बांसवाड़ा वहां की बोली क्या है? वागड़ी है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक था राव सिहा। राव सिहा जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाकूटा, गाठिया क्षेत्र किस खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं? ये मैग्नीज के लिए जाना जाता है। बांसवाड़ा जिले का सिवानिया क्षेत्र, कालाकूटा क्षेत्र, गाठिया क्षेत्र, ये मैग्नीज के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिलिसेड लेक प्लेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित है? सिलिसेड लेक प्लेस राजस्थान के ब्रज मेवात पर्यटन सर्किट में स्थित है सिलिसेड लेक पैलेस। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था खड़नाल नागौर में। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, रामसागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? रामसागर वन विहार अभयारण्य है धौलपुर जिले में। रामसागर वन विहार अभयारण्य किस जिले में है? धौलपुर में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। यदि कोई भी श्रमिक का बच्चा है, निर्माण श्रमिक का बच्चा, यदि वो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है तो राजस्थान सरकार उसको 2 लाख रुपये देगी। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम किसे रखा है? मातृभाषा और स्थानीय भाषा को। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा स्थानीय भाषा को रखा है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कक्षा 1 से 8। कक्षा 1 से 8 को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन, विश्वामित्र दादीज का संबंध किस क्षेत्र से है? विश्वामित्र दादीज किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? यह साहित्य से संबंधित है। विश्वामित्र दादीज साहित्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दातार सिंह। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दातार सिंह कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारत और फ्रांस किस किस के मध्य? भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे गरुड़ के नाम से जाना जाता है, गरुड़ के नाम से जाना जाता है, 26 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में आयोजित किया गया। फ्रांस और भारत के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसका नाम क्या है? गरुड़, उसका आयोजन जोधपुर जिले में 26 अक्टूबर 2022 को किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम पष्ट है,
राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट है, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना भी है, राजस्थान मध्यम नगरीय विकास परियोजना भी है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड, राजस्थान राज्य राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड भी है, लेकिन राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड नहीं है। एशियाई विकास बैंक द्वारा कौन वित्त पोषित है? राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड। ये तीनों कार्यक्रम एशियाई बैंक द्वारा वित्त पोषित है, लेकिन राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब प्रारंभ की गई? 7 अप्रैल 2013 को, 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आरंभ की गई। अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह है उनका वैज्ञानिक नाम। फूल, राजस्थान राज्य का फूल कौन सा है? रोहिड़ा। और रोहिड़ा को राजस्थान राज्य का फूल क्या है? रोहिड़ा। और रोहिड़ा को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। पशु क्या है? हेलो, एक बार फिर से देखो, राजस्थान राज्य का फूल क्या है? राजस्थान राज्य का फूल है रोहिड़ा, और रोहिड़ा को वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। राजस्थान राज्य का पशु क्या है? राजस्थान राज्य का पशु है चिंकारा। राजस्थान राज्य का पशु क्या है? चिंकारा, जिसे हिरण भी बोलते हैं। राजस्थान राज्य का पशु है चिंकारा, और इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेठी, गजेला बेनेठी। राजस्थान राज्य का पेड़ क्या है? पेड़ है खेजड़ी, जिसे बोलते हैं प्रोसोपिस सिनेरिया, प्रोसोपिस सिनेरिया उसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान राज्य का पक्षी है गोडावण, राजस्थान राज्य का पक्षी क्या है? गोडावण। गोडावण का वैज्ञानिक नाम है आर्डे ओटिस नाइग्री सेप्स, आर्डे ओटिस नाइग्री सेप्स, आर्डे ओटिस नाइग्री सेप्स। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को किस योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया? रंगमंच एवं अभिनय के लिए, रंगमंच एवं अभिनय के लिए सरताज नारायण माथुर को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। अगला क्वेश्चन, हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है? हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है? विचित्र मंदिर। पहली मंजिल है शरद मंदिर, और तीसरी मंजिल का क्या नाम है? विचित्र मंदिर। हवा महल की पांच मंजिलें हैं, पांच मंजिला है हवा महल, 1799 में प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें है कन्हैयालाल बाग हवेली चूरू में है, सही है। कन्हैयालाल बाग पागल हवेली कहाँ पर स्थित है? चूरू में।
कन्हैया लाल बागल। कन्हैया लाल बागल हवेली है चूरू में, निहाल टावर है जोधपुर में। निहाल टावर कहाँ पर है? सॉरी, धौलपुर में। निहाल टावर है धौलपुर में। मोडा पहाड़ है झुंझुनू में, मोडा पहाड़ है झुंझुनू में, लेकिन हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में नहीं है। ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह भारत का की पेनोरमा कहाँ बनेगी? स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह भारत की पेनोरमा कहाँ पर बनेगी? शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगी केसरी सिंह भारत की पेनोरमा। अगला क्वेश्चन, पच्चीस परसेंट आरक्षित सीटों में से 25% आरक्षित सीटों में से कितनी परसेंट सीट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई? तो ये की गई 16%। कितनी? 16%। 25% आरक्षित सीटों में से 16% सीट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है 154वां अनुच्छेद। 154वां अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। अगला क्वेश्चन, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। कौन सी? कालेबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कालेबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किसे एथलीट श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया? तो गोपाल सैनी को किया गया है, राजकुमार अहलावत को किया गया है, हमीदा बानो को किया है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद शर्मा को नहीं किया गया। एथलेटिक श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में गोपाल सैनी को दिया है, राजकुमार अहलावत को दिया है, हमीदा बानो को दिया है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद शर्मा को नहीं दिया। अगला क्वेश्चन, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में है, बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, है यदि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन ना हो तो उन्हें किस वर्ग से भरा जाएगा? तो उसे अनुसूचित जनजाति से भरा जाएगा, अनुसूचित जनजाति से भरा जाएगा अगर कोई अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं हो तो। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया? किस जिले की विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? अलवर जिले को, दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन,
नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न, 5-3-3+4 पैटर्न, 5-3-3+4 पैटर्न। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार बताना है। तो सीके मैथ्यू के बाद में राजीव महर्षि के बाद में निहाल चंद गोयल के बाद डीबी गुप्ता। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीके मैथ्यू, उसके बाद राजीव महर्षि, उसके बाद निहाल चंद गोयल, उसके बाद में डीबी गुप्ता। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई। राजस्थान के उदयपुर जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान जीके के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।